राष्ट्रगाथा चैनल के माध्यम से मैं आप तक पहुंच रहा हूं 660 वीडियोस के साथ 660। और ये वीडियोस जो है ये 1757 से 1947 तक 190 वर्ष के कालखंड के उन वीर वीरांगनों की है, उन नायक नायिकाओं की है जो अज्ञात है, अनजान है। वैसे तो असंख्य हो गए, परंतु मैं 1900 के आसपास, लोग 2000 हो जाएंगे कुछ देर के बाद, इतने अनजान, इनमें 99% बिल्कुल अज्ञात, ऐसे लोगों को मैं आपके सामने लाने में सफल रहा। इनको श्रद्धा सुमन, पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि इन मौन तपस्वियों को देने का प्रयास कर रहा। ऐसे उन असंख्य अज्ञात, पूर्ण रूप से अज्ञात क्रांति वीर वीरांगनाओं को, नायक नायिकाओं की एक लंबी पंक्ति में एक और नौजवान, एक और वीर क्रांतिकारी आज मैं आपके सामने ला रहा हूं, अज्ञात श्री विनय बोस। बोस के नाम से सबको ध्यान में आ जाता है कि ये बंगाली होंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कौन भूल सकता है, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का तो नाम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आ गया, यद्यपि उनका पूरा इतिहास नहीं आया। मैंने 7-8 वीडियोस बनाई हैं उनकी, और उनकी जो आर्मी थी INA, उसके जो आखिरी आघात थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर, ब्रिटिश आर्मी के ऊपर भारत की आज़ादी के लिए, वो कमाल के थे। जब ये मैं 190 वर्ष का कालखंड पूर्ण करूँगा और पीछे जाऊँगा, उस समय इसके आखिर में मैं आपको इसी कालखंड के आखिर में सुभाष के वो INA का जो संघर्ष था नेताजी का, वो 5-7 एपिसोड्स के अंदर कंप्लीट होगा। कौन सी लड़ाई कहाँ लड़ी गई, कैसे लड़ी गई, एम्यूनिशन कहाँ से आ रहा था, खाना पीना कैसे हो रहा था, मौसम क्या कर रहा था, हालात कैसे थे, ये सारी बातें उसके अंदर मैं विस्तार से बताने वाला हूँ। पर चलिए आज हम चर्चा करेंगे विनय बोस। कलकत्ता की राइटर्स बिल्डिंग में 8 दिसंबर 1930 को लगभग दिन के 12:30 बजे अपने साथी सुधीर गुप्त और दिनेश गुप्त के साथ जेल महानिरीक्षक कर्नल SS सिंपसन को मौत के घाट उतारने के पश्चात विनय बोस घायल हो गया, पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, जेल के अस्पताल में रखकर उसका इलाज करवाया गया, पर कोई परिणाम नहीं निकला। 13 दिसंबर 1930 को प्रातः 6:30 बजे विनय बोस ने अंतिम सांस ली। नहीं भाई, खेल तो अभी शुरू हुआ है, कुछ लोगों के काम होते हैं ना जो अमर होते हैं, तो आज विनय बोस की यात्रा तो यहां से आरंभ होगी। हाँ, ये मृत्यु के पूर्व मैजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान लिया गया, स्टेटमेंट लेकर उसने अपने मृत्यु प्रतिवेदन में एक ऐसा रहस्य उजागर किया जिसे वे अभी तक छिपाए हुए था। मृत्यु के साथ के समय वह रहस्य इसलिए उजागर कर दिया, मृत्यु के समय ये रहस्य इसलिए उजागर कर दिया क्योंकि उससे अब उसके किसी साथी को कोई हानि पहुंचने वाली नहीं थी। उसने स्वीकार किया, क्या था वो रहस्य,
क्या स्वीकार किया कि 29 अगस्त 1930 को बंगाल के पुलिस महानिरीक्षक एफ जे लोमेन पर आक्रमण उसी ने किया था। जिस रहस्य को पाने के लिए पुलिस ने क्या क्या नहीं किया था, वह रहस्य अनायास ही उसने सामने उसका खुलासा कर दिया। फिर भी पुलिस विनय बोस का कुछ बिगाड़ नहीं सकी। अब क्या बिगाड़ना था उसने, क्योंकि वह दुनिया को छोड़कर जा ही रहा था। पुलिस ने लोमेन की हत्या की फाइल निकाली और उस पर हत्यारे का नाम लिखकर विनय बोस लिखकर फाइल बंद कर दी। जब तक नहीं पता चला था तो फाइलों पर थी। बंगाल के पुलिस महानिरीक्षक पर आक्रमण 29 अगस्त 1930 को प्रातः 9:15 बजे हुआ था। ढाका के क्रांतिकारियों को सूचना मिली कि पुलिस महानिरीक्षक एफ जे लोमेन 29 अगस्त को ढाका पहुंच रहा है। वो ढाका आए और स्वागत ना हो क्रांतिकारियों के द्वारा, ये कैसे हो सकता है। क्रांतिकारियों के मन में इसके प्रति बहुत ज्यादा रोष था, आक्रोश था, वो सबके मन को चुभता था, फूल की तरह नहीं कांटे की तरह, इतना वो अत्याचारी था, निर्दयी था। तो पुलिस महानिरीक्षक के प्रति जो भी क्रांतिकारियों के मन में था और उसके स्वागत के लिए बैठक का होना और क्रांतिकारियों की गुप्त बैठक में लोमेन की हत्या का दायित्व विनय बोस को सौंप दिया गया। दो रिवाल्वर, काफी संख्या में कारतूस उसे दे दिए गए। ढाका के क्रांतिकारियों को सूचना मिली कि पुलिस महानिरीक्षक एफ के लोमेन 29 अगस्त को पहुंच रहे हैं, ये तो सूचना मिल चुकी थी। नारायणगंज की जेल की जेल पुलिस का सुपरिटेंडेंट बीमार होकर ढाका में मिटफोर्ड अस्पताल में पड़ा हुआ था, उसे देखने का कार्यक्रम पुलिस महानिरीक्षक ने इसीलिए बनाया था। वह ढाका पहुंचा और वहां के पुलिस सुपरिटेंडेंट मिस्टर हार्डसन को साथ लेकर वह मिटफोर्ड हॉस्पिटल जा पहुंचा। प्रातः 9:15 बजे का समय था। अस्पताल के अहाते में पुलिस महानिरीक्षक एफ जे लोमेन और ढाका के पुलिस सुपरिटेंडेंट मिस्टर हार्डसन के साथ बातचीत कर रहा था कि एक नौजवान भागता हुआ उसके निकट पहुंचा और 50 फुट की दूरी से, लगभग 50 फुट की दूरी से उन दोनों पर गोलियां दागने लगा। एक भी गोली व्यर्थ नहीं गई। उसकी 3 गोलियां मिस्टर हार्डसन को और 2 गोली मिस्टर लोमेन को ये लगी। वह युवक क्रांतिकारी और कोई नहीं था जो भाग के आया था, वो विनय बोस ही था। विनय बोस वहां आंधी की तरह पहुंचा और तूफान की भांति चला गया। एक व्यक्ति ने विनय बोस का पीछा किया, उसका हाथ पकड़ लिया। वहां संघर्ष हुआ कई प्रकार का। ये संघर्ष बड़ा लंबा सीन है, मैं ये आपको उस प्रकार से नहीं बता रहा, लेकिन होना ही था संघर्ष। हाँ, वहां कमाल का संघर्ष, कई तरह का संघर्ष। अपने एक व्यक्ति, 5 गोलियां तो निकल चुकी थी, उसमें 1 गोली थी एक रिवॉल्वर में और 2 रिवॉल्वर थे इसके पास। ये जो जिसने पकड़ा था इसको छुड़ा करके भागने लगा,
भीड़ का और इसका अंतर बढ़ गया, तो इसने भीड़ को दूर करने के लिए एक गोली जो थी लास्ट में वो भी चला दी। अब एक रिवॉल्वर तो खाली था लेकिन भीड़ अभी भी उसका पीछा कर रही थी, भीड़ अभी भी उसका पीछा कर रही थी। और फिर दूसरे रिवॉल्वर की गोली से पीछा करने वालों को पीछे धकेलते हुए एक गोली और चला दी। उधर क्या डेवलपमेंट हुई, लोमेन का ऑपरेशन हुआ लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका। उसकी मृत्यु 31 अगस्त 1930 को प्रातः 9:15 हो गई। यहीं से यात्रा हमारी शुरू हुई थी। पुलिस को इस बात की खिसियाहट थी कि वे हथियारों को पकड़ नहीं सकी। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत ढाका पुलिस ने चरितार्थ कर दिखाई। उसने आरोप लगाया कि मिस्टर लोमेन की हत्या में जो स्थान था पर्टिकुलर वो क्या था, मेडिकल कॉलेज के छात्रावास के विद्यार्थियों ने हत्यारे को भगाने में सहायता की। छात्रावास में रहने वाले लगभग 50 विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया, पकड़कर उनकी बहुत बुरी तरह से पिटाई की गई। इस घटना के पश्चात विनय बोस कर्नल सिम्पसन को मौत के घाट उतारने वाले घायल होकर के वहां से भागने वाले और उस घटना में सम्मिलित था ये वो स्वीकार कर चुका था। मृत्यु के पूर्व का जो बयान था उसने ही बताया था कि एफ जे लोमेन की हत्या उसी ने की थी। चाहते तो ये बात को छुपा सकते थे। विनय बोस बंगाल के क्रांतिकारी अत्याचार के विरुद्ध और अत्याचारी से बदला लेने के लिए प्रसिद्ध माने जाते थे। सोचिए जरा कितनी जवानियां भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही थी, फांसी के तख्तों पर जा रही थी, सामने एनकाउंटर में पुलिस के मुकाबले में दम तोड़ रही थी, जेलों की लंबी कठोर यात्राएं सहते हुए दम तोड़ रही थी, काला पानी जैसे घोर नाग किए अंडमान सेलुलर की जेल के अंदर गए हुए क्रांतिकारी 90% जो वापिस नहीं आए वही मर खप गए। भयंकर घोर नरक से भी घोर ऐसी सजाएं भुगतने वाले और फिर हर आयु वर्ग के बाल बालिकाएं किशोर किशोरियां युवा युवतियां सब तरह के लोग देश विदेश में देश के कोने कोने में एक नई आहट सी हो रही थी और नया नारा गूंज रहा था, भारत माँ की जय अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत माता की जय अंग्रेजों भारत छोड़ो। अरे इन सब लोगों के कारण जो स्वतंत्रता आई और आखिरी जो अटैक्स नेता जो सुभाष चंद्र बोस का था, ये मैं नहीं उस समय के ब्रिटेन का प्रधानमंत्री मिस्टर एटली बता रहा था कि हम चरखे के कारण और 42 के क्विट इंडिया मूवमेंट के सत्याग्रह के कारण अहिंसा के कारण नहीं हमको छोड़ना पड़ रहा है, चूंकि बहुत लंबी घटना है मैं समय समय पर बताता रहता हूँ। और फिर उसके ऊपर वहाँ से बचे हुए जो INA के थे वो भारत की बची हुई सेना के साथ जा करके मेनोवरिंग कर रहे थे, बात कर रहे थे, तैयार कर रहे थे, और उधर नेवी का सी में समुद्र में रिवोल्ट कर देना, उनको भारत आने के लिए भी मुश्किल हो रही थी, अब आ नहीं सकते थे, यहीं पर घेर के मार दिए जाते। ये सब घटनाएं थी। कहने का भाव यह है कि आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी, जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई और जिनकी जेलें भी सब प्रकार की सुविधा से परिपूर्ण थी। जो जेल कब जाना है ये भी ऐसा कहा जाता है कि तय होता था अथॉरिटीज के साथ, वापस कब आना है ये तय होता था और उनके लिए जेल के अंदर सब प्रकार की सुविधाएं।
उन्होंने आजादी लेके दी या ये लोग जो मैं आपके सामने लगभग 1900 से ऊपर मैं ये लोग आपके सामने ला चुका हूँ, इनको कोई नहीं जानता। विनय बोस का भरी जवानी के अंदर ये कार्य और मृत्यु से पहले ये बयान देना कि हाँ उसकी हत्या पुलिस नहीं पहुंच रही थी वहां तक, वो तो कहीं और किसी बात के लिए पकड़े गए थे, और पकड़े गए थे तो ये नहीं था कि भी विनय बोस इस केस में शामिल है, खुद को बोला और फांसी हो जाएगी। वो लगता था कि अब ये मेरा मृत्यु हॉस्पिटल में अब होने ही वाला है, तो एक मृत्यु वेदन के ऊपर दो तरह का रहते हैं, एक तो फांसी के तख्त के ऊपर पूछा जाता है कि आपकी कोई आखिरी इच्छा, अगर वहाँ नहीं बोलना तो ये फॉर्म में जो कुछ आप लिखना चाहते हो वो लिख दो। तो विनय बोस ने उसके अंदर, अभी वो जिंदा था तो स्वीकार कर लिया, लेकिन वो पुलिस अब क्या कर सकती थी, डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया था कि ये बच नहीं सकेगा। विनय बोस जैसे अनेक, अभी 190 वर्ष के कालखंड में मैं 1900 के आसपास आपके सामने ला चुका हूँ, अभी और 200-300 ऐसे अज्ञात क्रांतिकारियों को मैं आपके सामने लाने जा रहा हूँ। इन सब लोगों की कुर्बानी बलिदान इतिहास में कहीं नहीं, कोई नहीं जानता इनको, तो इनको श्रद्धा सुमन पुष्पांजलि भेंट करने का क्रम मैंने लगभग 3 वर्ष पूर्व, मैं तब सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में प्रोफेसर था और स्वामी विवेकानंद चेयर का हेड था, मुझे कुछ पुस्तकें भी लिखनी होती थी, वहीं करते करते जब मैं बोलता था वहाँ अलग अलग जगहों के ऊपर ऑडिटोरियम से लेकर के और कहीं भी क्लासरूम में, तो मुझे वहाँ के लाइब्रेरियन थे मिस्टर रमेश, उन्होंने प्रेरणा दी कि सर आप इतना अच्छा ही जानकारी देते हो, हमें तो किसी को नहीं पता। मैंने कहा आपको ही नहीं, किसी को भी नहीं पता, पर मुझे भी इतना ही था कि मेरे पास 40-50 क्रांतिकारियों के अनजान अज्ञात का मैं दे पाऊँगा, पर मैं 1900 के आसपास दे दूंगा और ये 2400-2500 होने जा रहे हैं, और सिंध के राजा दाहिर से लेकर जिस सुभाष चंद्र बोस तक को ये कितने हज़ार बन जाएंगे। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, धन्यवाद।